सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स एंड टैक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड टैक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 कंट्रीज के ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप क्या है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसकी पर्पस और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G20 का फुल फॉर्म, जो कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई और क्या एक मदर ऑर्गेनाइजेशन थी या इसके पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो चुकी थी इसी के कंटेक्स्ट में, तो चलिए पहले जानते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट। ये एस्टेब्लिश हुआ 26 सितंबर 1999, 26 सितंबर 1999 एज अ डॉटर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन 1975 में एस 7 ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जो कि फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएस और वेस्ट जर्मनी थे, जो कि सिर्फ 6 कंट्रीज थे उस वक्त। बाद में 1991 में रशिया ने इसे ज्वाइन कर लिया और ये ग्रुप बन गया एस 7 कंट्रीज। तो अब बात करते हैं जरूरत क्या पड़ी एस 7 से एस 20 आने में। जरूरत ये पड़ी कि एस 7 कंट्रीज का जो ग्रुप था वो सफिशेंट नहीं था इंटरनेशनल मैटर्स को हैंडल करने में। तो फिर 26 सितंबर 1999 को G20 कंट्रीज, जिसके मेंबर हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और चाइना। इस ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे मैटर्स को हैंडल किया जा रहा है, हैंडल होता है यहाँ मैटर। बहुत सारे समिट्स हुए हैं, आपको गूगल पर बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ही आप एक तरह से कह सकते हैं। ह्यूज इशूज को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है और उसे सॉल्व किया जाता है। और इसका मेन पर्पस क्या था, अब ये जान लेते हैं। इसका मेन पर्पस था कि जो भी वर्ल्ड के बड़े नेता हैं, जैसे सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, पीएम मोदी, शिंजो अबे या फिर बेंजामिन नेत्याहू, या फिर इसराइल नहीं है, पर फिर भी मैंने बेंजामिन नेत्याहू का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो एक ग्रेट लीडर्स में आते हैं। तो फिर आगे बात करते हैं, वो तो अलग बात है। तो ये सारे जो मेंबर्स थे वो सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके और सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और टेररिज्म व्यूज पर बात कर सके, हाउ टू सॉल्व दिस मैटर्स। अब बात करते हैं कि G20 कंट्रीज का ये इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये कंट्रीज जो हैं ये सुपर पावर्स हैं, एक यूके, यूएस, चाइना, इंडिया, जापान और बहुत सारे, वर्ल्ड को इस साइड से उस साइड की क्षमता रखते हैं, वर्ल्ड को इस साइड से उस साइड कर सकते हैं भैया, जान लेना। इसीलिए G20 कंट्रीज का इम्पोर्टेंस फिलहाल हमारे इस वर्ल्ड में बहुत अधिक है। तो बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो G20 कंट्रीज हेल्ड करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी का ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी का 85% पूरे 85% सिर्फ ये 20 कंट्रीज होल्ड करते हैं, और उनके लिस्ट आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। पहले एक लिस्ट देखिए, उसमें आपको दिख जाएंगे ऑल 20 कंट्रीज के नाम, और देख लिया, एक बार और देख लीजिए। और दूसरा लिस्ट देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह डिवाइड किया गया कंट्रीज को। एक तरफ आप देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरे तरफ डेवलपिंग कंट्रीज, तो इस तरह डिवीजन है G20 कंट्रीज का। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमी का, तो सोच लीजिए वर्ल्ड में 207 कंट्रीज हैं और सिर्फ 20 कंट्रीज मिलके इस वर्ल्ड के 85% इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। इसी बात से आप इनके शक्ति, पावर और इकोनॉमी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि G20 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके इसी वीडियो के अगले पार्ट में। अगर इस वीडियो पर 25 लाइक्स, सिर्फ 25 लाइक्स मैं मांग रहा हूँ क्योंकि ये चैनल अभी नया है, 25 लाइक्स मिलते हैं तो मैं इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।